नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, सिंगापुर से लालू प्रसाद यादव लौट आए हैं, दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन क्या डॉक्टरों ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया, यानी कि पूर्ण स्वस्थ होने का रिपोर्ट दे दिया? जांच में क्या कुछ निकला, ये भी आप जानने के लिए उत्सुक होंगे, या फिर डॉक्टरों ने कहा कि जाकर के आप आराम कीजिए, ये भी सवाल आपके मन में जरूर उठता होगा। निश्चित है लालू यादव सबके चेहते हैं, सब लोग उनके बारे में कुछ न कुछ जानकारियां जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं कि लालू यादव को डॉक्टरों ने क्लीन चिट नहीं दिया है, ना ही कहा है कि आप अब अपने वतन लौट जाइए, यानी भारत लौट जाइए, बल्कि आपको मजबूरन उन्हें भारत आना पड़ा है। जी हाँ, ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लालू यादव का ट्रीटमेंट अभी वहाँ डॉक्टरों के द्वारा जारी है और फर्स्ट स्टेज में उनकी तमाम तरह की जांच की गई है। आप भी जानते हैं कि किडनी और शुगर रोग के पेशेंट हैं वो, इसके अलावा कई तरह के रोग से ग्रसित है लालू यादव, लेकिन भारत उन्हें मजबूरन आना पड़ा है। अब आप सोचते होंगे कि मजबूरी कौन सी, तो मैं आपको बताता हूं कि उनकी मजबूरी है कोर्ट की। जी हाँ, कोर्ट की। 25 अक्टूबर तक ही कोर्ट ने उन्हें विदेश में रहने की अनुमति दी थी, जिस कारण से उन्हें बीच मेडिकल ट्रीटमेंट में ही छोड़ करके भारत आना पड़ा। कोर्ट से उन्होंने अनुमति मांगी थी इलाज के सिलसिले में, वो अनुमति भी मिली, लेकिन 25 अक्टूबर तक ही कोर्ट ने अनुमति दिया था और वो अवधि समाप्त होने के कारण से उन्हें भारत लौटना पड़ा है। अब कहा जा रहा है कि आपको 10 या 11 नवंबर को फिर से वो सिंगापुर जा सकते हैं, फिर से अपने अधूरे ट्रीटमेंट को चालू करा सकते हैं, लेकिन अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, कोर्ट क्या कुछ अनुमति देता है। स्वाभाविक है कि कोर्ट में वो फिर अपने आप को एक गुहार लगाएंगे और अपने रिपोर्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट की सारी कागजात को वहां पर पेश करेंगे, उसके बाद कोर्ट निर्णय लेगा कि कब तक फिर नेक्स्ट अवधि के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि वो उन्हें एक लंबे ट्रीटमेंट की जरूरत है। किडनी समेत कई प्रकार के रोग से ग्रसित है। अगर मैं बात करूं आपको लालू प्रसाद यादव को, तो 3 जुलाई को राबड़ी आवास पटना में वो सीढ़ी से फिसल गए थे, जिसके कारण से उन्हें चोट आ गई थी, और 4 जुलाई को चोट इतना था कि आपको दर्द निवारक दवाइयां दी गई, लेकिन वो दवाई उन्हें सूट नहीं किया और आनन फानन में उन्हें 4 जुलाई को पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर नीतीश कुमार भी देखने गए थे। उस समय के सरकार में बीजेपी शामिल थी, बीजेपी के कई नेता भी देखने गए थे, लेकिन पारस में भी जब स्थिति नहीं ठीक हुई तो फिर 7 जुलाई को, जी हां 7 जुलाई को एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली ले जाया गया, दिल्ली एम्स में, जहां पर उनका इलाज चलता था, वहां के डॉक्टरों के अंडर ऑब्जर्वेशन में उनका इलाज चलता था, वहां जाकर के भर्ती कराए गए और वहां पर वो काफ़ी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने सलाह दिया या परिजनों ने इस तरीके का सलाह के बाद निर्णय लिया कि अब इनका इलाज सिंगापुर कराया जाए। आप जानते हैं कि उनकी बेटी सिंगापुर में है, रोहिणी आचार्य, और रोहिणी आचार्य ने जब लालू यादव सिंगापुर से भारत लौट रहे थे तो उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है किसे कि आप जा तो रहे हैं क्योंकि भारत को आपकी जरूरत है, भारत में अतताई सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए आपकी मुहिम की जरूरत है। रोहिणी आचार्य ने इसे भी एक कह सकते हैं कि एक तलवार बना डाली और केंद्र सरकार पर इस तरीके का हमला भी बोला। तो एक बड़ी खबर थी कि लालू प्रसाद को डॉक्टरों ने डिस्चार्ज नहीं किया है, बल्कि टेक्निकली रूप से या कह सकते हैं कि मजबूरन उन्हें भारत आना पड़ा है, क्योंकि उनकी अवधि जो थी, कोर्ट ने जो परमिशन दिया था वो आपको 25 अक्टूबर तक ही था, जिस कारण से उन्हें आना पड़ा है। अब नेक्स्ट डेट कब कोर्ट क्या कुछ अनुमति देता है, क्या कुछ निर्णय लेता है, ये कशिश न्यूज आपको अपडेट कराता रहेगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।